पर कुछ रोज पहले काशीमीरा परिसर के सृष्टि इमारत में एक नौजवान की मृत्यु हुई थी, चाकू घोप कर उसकी हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने अब तक किस प्रकार की कार्रवाई की है, कितने आरोपियों को पकड़ा है? इसमें वहाँ के जो दो सिक्योरिटी गार्ड थे उनका और वो जो वही सोसाइटी में रहने वाला लड़का उनका कुछ आपस में झगड़ा हो रहा था। वो भी रात को थोड़ा लेट भी आता था तो उसकी वजह से उनसे दोनों में अनबन थी। तो जिस दिन इंसिडेंस हुआ उस दिन वो लड़का रात को 12:15 के आसपास वो सोसाइटी में आता है और फिर वापस जाके सिक्योरिटी केबिन के उधर जाके वो बैठता है। तो वहाँ जो सिक्योरिटी गार्ड थे दोनों, उसमें से जो अमित तिवारी करके जो सिक्योरिटी का नाम बताया जाता था, उसने सीधा उसके ऊपर चाकू से हमला कर दिया और एक चेस्ट में और फिर पेट में ऐसा चाकू डाल दिया। तो उसका जो सब कुछ वो बाहर निकलने आया था तो भाग रहा था तो उधर जाके वो गिर गया। तो सोसाइटी के लोग जैसे नीचे आ गए तब तक ये दोनों भी सिक्योरिटी गार्ड थे वहाँ से वो भाग गए थे। उसमें से एक पहला जो गार्ड था उसको तीन चार दिन के बाद सुभाष पांडे को हमने क्राइम ब्रांच की मदद से अरेस्ट किया था। उसको अरेस्ट करके उसकी कस्टडी में था तो उसके इंट्रोगेशन से इसका जो दूसरा सिक्योरिटी गार्ड था उसका कोई डिटेल सिक्योरिटी एजेंसी पास भी नहीं था और सोसाइटी के पास भी नहीं था। तो उसका नाम अमित तिवारी बताया गया है एफआईआर में, लेकिन उसका कोई मोबाइल नंबर नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो इस हिसाब से उसको ऐसा इंट्रोगेशन करके तो उसने बताया था कि मेरे को एक जो सुभाष पांडे था उसने बताया कि भाई मेरे को एक कॉल आया था ये जो अमित के नाम से, तो वो नंबर उसको याद नहीं था। तो हमने वो सब टेक्निकल एविडेंस सब कलेक्ट करके ये नंबर को ढूंढा और फिर हमको एक जुहू मुंबई का एड्रेस मिला था, उस हिसाब से हमने वो टीम भेज दी और वहाँ ये इधर से नौकरी छोड़ के फिर उधर काम पे लग गया था। तो उसको लाया तो उसका असली नाम अमित कुमार सौरभ है वो, ना कि तिवारी। तो हमने उसको अरेस्ट कर लिया है और जो भी कानून की कार्रवाई है उसको 8 जून तक पुलिस कस्टडी रिमांड अभी हमारे पास चल रही है। दोनों आरोपी पुलिस कस्टडी में, दोनों को अरेस्ट कर लिया है। सर, हत्या का मूल कारण क्या आया है समझ में? सर कि ये जो अब तक हत्या की इससे जानकारी होता है कि भाई इससे छोटा मोटा झगड़ा होता था ये लड़के का और ये सिक्योरिटी गार्ड लोगों का। तो उस दिन उसका कहना है कि आरोपी का है कि भाई मुझे मारने के लिए वो कोई लड़के लोग ले आने वाला था, तो उसने दूसरे वॉचमैन ने इसको बताया कि तेरे को मारने के लिए लेके आया, तो वो चाकू लेके बैठा था। और जैसा ही ये लड़का आया और गया फिर वापस आया तो उधर बैठने के बाद उसको डाउट आया कि वो मुझे कुछ तो करेगा, तो उसने करने से पहले ही इसने उसके ऊपर हमला बोल दिया। जो भी रंजीत कुमार जो है सौरभ, वो 2005 में उसके खिलाफ जुहू पोस्ट में 307 का मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर का ऑफेंस रजिस्टर था, उसको 7 साल की पनिशमेंट हुई है। तो ऐसा ही वो क्रिमिनल ही है तो उसने उसके ऊपर हमला करके उसमें वो लड़की की डेथ हो गई है। ये जो सुभाष पांडे जो है, जो उसका 56 के ऊपर उम्र है, 58-56, उसका कोई बैकग्राउंड मतलब कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन ये जो दूसरा आरोपी है जिसने चाकू से लड़के को मारा, वो रंजीत कुमार सौरभ, उसका रिकॉर्ड है उसके ऊपर, मतलब वो जेल भर के ही आया है और बाकी का भी हम लोग तहकीकात कर रहे हैं और कोई कहाँ ऑफेंस उसके खिलाफ रजिस्टर है करके। एक्चुअली जो चाकू से हमला किया दो सौरभ ने किया और उसी वजह से उसकी डेथ भी हो गई, लेकिन वो साथ में था। अभी उनके घर वाले इसके साथ भी झगड़ा होता था ऐसा कहना है। तो पूरा इंक्वायरी के बाद पता चलेगा कि ये जो दूसरा वाला जो आरोपी है उसका क्या रोल आता है सामने, उसी हिसाब से हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। अभी क्या स्थिति है दोनों आरोपियों की, कब तक पुलिस कस्टडी है और क्या पुलिस ने कुछ बरामद किया इस मामले में? 8 जून तक पुलिस कस्टडी रिमांड है दोनों आरोपी की और फिलहाल हमारे कस्टडी में है। जो भी एविडेंस हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं वो हमारे पास उपलब्ध है अभी। दोनों का रिश्ता दोनों, हाँ, आपस में इनकी कोई जान पहचान, कोई रिश्ते में? ये जो सुभाष पांडे है वो बहुत दिन से इधर अपने मिरौर में काम कर रहा है, लेकिन ये सौरभ तिवारी जो रंजीत कुमार सौरभ जो है जिसका नाम अमित तिवारी बताया है, वो अमित रंजीत कुमार सौरभ, तो वो अभी नया आया था 3-4 महीने पहले ही, और सिक्योरिटी के पास भी उसकी कोई जानकारी नहीं थी ना सोसाइटी के पास कोई जानकारी है। तो ऐसा ही ये सुभाष पांडे को रास्ते से मिला था तो काम है का पूछा तो उसने बोला कि इधर काम है सोसाइटी में, तो सिक्योरिटी का तौर पे वो वॉचमैन ही उधर नौकरी कर रहा था। मतलब हम लोग इसी जरिए से ऐसे सभी सोसाइटी को भी रिक्वेस्ट हम लोग करना चाहते हैं और सिक्योरिटी एजेंसी को भी रिक्वेस्ट करना चाहिए। सिक्योरिटी एजेंसी तो अपने पैसे के लिए किसी को भी रख सकती है, लेकिन सोसाइटी लाखों रुपये पेड करती है उनको,
तो सोसाइटी ने कम से कम जो भी वॉचमैन उनके उधर सिक्योरिटी कर रहा है उसका पूरा बायोडाटा सोसाइटी के पास होना चाहिए, मोबाइल नंबर के साथ, आधार कार्ड, सभी जो भी डॉक्यूमेंट उनके हैं तो वो जेरोक्स सेट लगा के रखना चाहिए। और सभी सोसाइटी को मैं आपके जरिए निवेदन करता हूँ कि जो भी वॉचमैन आपके पास काम कर रहे हैं, हालांकि वॉचमैन क्या डेली चेंज नहीं होते, वही रिपीटेशन है, तो उनका सब डाटा सिक्योरिटी एजेंसी के पास होता है नहीं होता है वो बिना उसके हिजक के आप अपने पास रखो। और कभी भी कुछ ऐसा इंसिडेंस होता है तो तुरंत आपको सब डॉक्यूमेंट उपलब्ध होना चाहिए। अभी जैसे इसमें कुछ भी नहीं था, ना सोसाइटी के पास कुछ है आरोपी का, ना सिक्योरिटी एजेंसी के पास है, बाद में आगे की कार्रवाई हो जाएगी। अभी सिक्योरिटी का जो लाइसेंस है उसको तो रद्द करने के लिए मैं प्रस्ताव भेजने वाला हूँ, लेकिन इंसिडेंस होने के बाद ये सब को याद आना, तो इंसिडेंट होने से पहले भी सभी लोगों ने प्रिकॉशन लेना जरूरी है। और सोसाइटी को बहुत बड़ा कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो सिक्योरिटी अपने कर रही है, सोसाइटी की सिक्योरिटी कर रही है, अपने सोसाइटी के लोगों की सिक्योरिटी कर रहे हैं, उनका डाटा सोसाइटी के पास होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है।